आज पैदल मार्च के एक 32वें दिन हमारे साथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हम अभी डबरा जा रहे हैं, डबरा से एम्बुलेंस आई हुई है। अमित शाह जी, जल्द से जल्द हम युवाओं की सुनिए। हम युवा हताश है, परेशान है, मजबूरी में हम चल रहे हैं। आप कब हमारी युवाओं की सुनेंगे? ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है उन छात्रों की जो पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करते हैं इस आस में कि उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और अपने घर वालों का पेट पाल सकेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। दरअसल ये तस्वीरें हैं नागपुर से चले छात्रों के काफिले की जो दिल्ली आ रहा है। पिछले कई दिनों से ये लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और इनको दिल्ली आना है, और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी एसएससी जीडी 2018 के जो छात्र हैं, जो भर्ती को लेकर विरोध कर रहे हैं, वो लगातार दिल्ली में, देश के तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन ना तो सरकार की तरफ से और ना ही ओपोजिशन की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अब मामला इतना बढ़ चुका है कि ये छात्र जो है हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर दिल्ली आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। लेकिन मीडिया में ये खबरें आपको नहीं मिलेगी, मीडिया में आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान मिलेगा, नुपुर शर्मा मिलेगी, इस तरीके की खबरें मिलेंगी। लेकिन जो रोजगारी की खबरें हैं वो बिल्कुल गायब रहेंगी। ये देखिए, अनुपम है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। एसएससी जीडी 2018 के छात्रों ने पूरा महीना पैदल चलते हुए बिता दिया, लेकिन सरकार पर असर नहीं हुआ। अपनी नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे इन युवाओं ने ज्ञापन से धरना तक और जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक कई रचनात्मक प्रदर्शन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये सरकार खुद ही युवाओं को भड़काती है। आप समझिए जिस तरीके से अग्निवीर पर जो उग्र प्रदर्शन हुआ था उसके पीछे कौन लोग थे। वो सरकार ही थी जिसने एकदम से आनन फानन में बिना सोचे समझे अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें युवाओं का, खासकर छात्रों का जो गुस्सा था वो उबल कर बाहर आया। अब देखिए उसी को लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी अधिकारों की जननी है। विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा अपने आलोचकों पर किए जा रहे मुकदमे चिंता का विषय है। जिस पुलिस को लाठियां चलाते देख आज आप आनंदित हो रहे हैं, निजाम बदलते ही वो लाठियां आपकी तरफ भी घूम सकती है। याद रहे संविधान सर्वोपरि है, तो वरुण गांधी के भी जो है वो सुर बदलने लगे हैं, तेवर बदलने लगे हैं, जिस तरीके से इनको बीजेपी में नकार दिया जा रहा है। ये देखिए, एक तरफ छात्रों के लिए रोजगार नहीं है, जॉब्स नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें देखिए अनुराग डोरी ने ट्वीट किया है, पत्रिका में एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी, राज्यसभा में 87% करोड़पति सांसद है, नेशनल कांग्रेस के 94% और बीजेपी के 87%, राजस्थान कर्नाटक जैसे 11 राज्य ऐसे हैं जहां सारे सांसद करोड़पति हैं, फिर भी 2 से 3 पेंशन और जनता के लिए अग्नि टाइप पीर स्कीम लाते हैं, अपनी पेंशन पर सर्वदलीय सहमति, आम जनता पर सर्वदलीय चुप्पी। ये देखिए, सांसद विधायक को दोहरी तीरी पेंशन, जनता को झुंझुना, 2021 में सिर्फ पूर्व सांसदों की पेंशन पर 100 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए हैं। एक तरफ जहां अग्निपथ स्कीम के जरिए जो युवाओं की पेंशन खत्म कर दी गई है और जो देश के लिए जान निछावर करता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, उसकी पेंशन खत्म कर दी जाती है, लेकिन जो सांसद है, जो एमपी है, जो ऑलरेडी करोड़पति है, वो लोग दोहरी तीरी पेंशन पा रहे हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा, 2020-21 में 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है इनकी पेंशनों पर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है और किस तरीके से जो गरीब है, मजदूर है, दबा कुचला है, उन लोगों को परेशान कर रही है। आदित्य भगत ने ट्वीट किया है, मन विचलित है और दुखी भी है, लगातार 32 दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे मगर तकलीफ हो रही है इस बात की कि इनके त्याग और संघर्षों का कोई मोल नहीं समझ पा रहा है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। आज पैदल मार्च के एक 32वें दिन हमारे साथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हम अभी डबरा जा रहे हैं, डबरा से एम्बुलेंस आई हुई है। आप देख सकते हैं उल्टी दस्त बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत गर्मी, चिलचिलाती धूप में भी हमारे साथी चल रहे हैं पैदल। अमित शाह जी, हम युवाओं की जल्द से जल्द सुनिए, हम पैदल मार्च कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, हताश हैं। लिटा दीजिए, लिटा दो, लिटा दो। अमित शाह जी, जल्द से जल्द हम युवाओं की सुनिए,
हम युवा हताश है, परेशान है, मजबूरी में हम चल रहे हैं। आप कब हमारी युवाओं की सुनेंगे? इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में भी हम युवा चल रहे हैं, क्यों हमें इतना मजबूर कर रहे हो चलने के लिए? छात्राएं पैदल चल चल कर अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं, बीमार हो चुकी हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है वो इस खबर को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 32 दिन से ये युवा लगातार कानपुर से लेकर दिल्ली आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। लेकिन आप समझिए, पिछले 32 दिन से हजारों किलोमीटर पैदल दूर चलकर दिल्ली आने में कितनी हिम्मत चाहिए, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन सरकार इनका नोटिस लेने को तैयार नहीं है। एक और ट्वीट देखिए, वीरेंद्रवीर ने लिखा है, 68,000 शिक्षकों को नियुक्ति दो। माननीय वरुण गांधी जी, जिस तरह से आप युवाओं मजलूमों की आवाज़ बन रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संघर्ष को भी आप संज्ञान में लेंगे। पिछले एक साल से हम संघर्ष कर रहे हैं इको गार्डन में, हमें न्याय कब मिलेगा? संघर्ष लगातार जारी है। ये देखिए, जो 68,000 शिक्षकों की भर्तियों में जो घोटाला हुआ था उसको लेकर, और वरुण गांधी ने उसको रिट्वीट करते हुए लिखा है, संघर्ष की भी सीमा होती है, अभ्यर्थियों की मार्मिक पुकार सुनिए, नौकरी के लिए संघर्ष एक वर्ष इनके लिए एक दशक से कम नहीं, अगर चयन प्रक्रिया में धांधली हुई तो उसे सुधार कर योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी देने में देर क्यों, रिक्त पदों पर खर्च होते बजट, बेरोजगार युवा सड़क पर, आखिर कब तक? तो सवाल उठाया वरुण गांधी ने। तो ये बड़ी खबर थी, एक तरफ जहां सांसदों की दोहरी तीरी पेंशन बढ़ाई जा रही है, वहीं अग्निपथ में जो देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए सरहद पर जाएगा उस नौजवान की पेंशन खत्म कर दी गई है, और जो एसएससी जीडी 2018 की नियुक्ति के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है वो मीडिया से गायब है। ये जातिवादी मनुवादी मीडिया ऐसी खबरें नहीं दिखाता, क्योंकि ज़्यादातर इसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।